हेलो गाइस, क्या आप अपने आप को एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बोलते हैं? आपको कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता है, पूरी जानकारी है, या फिर फिलहाल अभी आप कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल या फिर कॉलेज में और आपको कंप्यूटर के बारे में जानना काफ़ी अच्छा लगता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप अपने आप को एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बोलते हैं या फिर अभी आप फिलहाल कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो ट्रिक्स है वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है और आपके काफ़ी ज़्यादा समय को भी बचाने वाला है। तो अगर आप कंप्यूटर में अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं तो भैया आपको ये ट्रिक्स ज़रूर पता होनी चाहिए। तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर में ये ट्रिक्स कौन से हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी के चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला जो ट्रिक है वो है पासवर्ड को चेंज करना। जी हाँ, अगर मैं आपको कहूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम में या फिर लैपटॉप सिस्टम में पासवर्ड को चेंज करो तो आप सिंपली अपने कंट्रोल पैनल में जाओगे, यूजर अकाउंट में जाओगे और वहाँ पर ओल्ड पासवर्ड को डाल के अपना जो भी पासवर्ड है वो चेंज करोगे। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आप बिना पुराना पासवर्ड जाने अपने कंप्यूटर सिस्टम या फिर लैपटॉप सिस्टम का पासवर्ड चेंज करें बिना कंट्रोल पैनल में जाएं तो आप शायद नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है, बहुत ही आसान तरीका है। बिना पुराना पासवर्ड पता करें आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं या फिर कहें क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट को राइट क्लिक करके यहाँ पर रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करना है और इसे सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बस टाइप करना है नेट यूज़र। उसके बाद आपके कंप्यूटर में जितने भी यूज़र हैं या फिर अकाउंट बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरे अकाउंट का जो भी नाम है वो है मनोज सारू। देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटर पावर है और मैं इसका पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ, यानी मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है नेट यूज़र और उसके बाद जो भी यूज़र अकाउंट का नाम है, यहाँ पर ये मनोज सारू नाम है तो यहाँ पर आपको स्पेस छोड़ के मनोज सारू टाइप करना है और उसके बाद स्पेस छोड़ना है। उसके बाद आप जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए, आपको पुराने पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 123123123 या फिर इसकी जगह पर आप जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं और उसके बाद आपको बस एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, जिसका मतलब यह है कि आपके जो कंप्यूटर में है वो पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आप कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं बिना पुराना पासवर्ड डाले। तो अगर आप कंट्रोल पैनल मेथड अपनाते हैं तो वहां पर आपको पुराना पासवर्ड डालना पड़ता है। तो यहां पर आप इस मेथड को अपने फ्रेंड के सामने करके दिखा सकते हैं तो ऐसे में वो सोचेगा कि हाँ भाई, आपको वाकई में कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ पता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक आता है कंप्यूटर के बारे में वो है टास्क मैनेजर को ओपन करना। अगर मैं आपसे बोलूँ भैया टास्क मैनेजर ओपन करके दिखाओ मुझे, तो आप सिंपली सर्च करोगे विंडो का बटन दबा के टास्क मैनेजर या फिर अपने कीबोर्ड पर प्रेस करोगे कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का बटन और उसके बाद टास्क मैनेजर पर क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पर आप इन सभी को छोड़ के डायरेक्ट एक शॉर्टकट की दबा सकते हो, उसके बाद आपके कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्ट टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको अपने कीबोर्ड पर प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप का बटन। तो जैसे आप ये तीनों बटन को प्रेस करोगे तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्टली टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस ट्रिक को अपना के अपने फ्रेंड्स फैमिली या फिर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे अपना इंप्रेशन बना सकते हो, जिससे लोगों को लगेगा चल भाई इसको बहुत कुछ पता है कंप्यूटर के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक आता है जो कि है ट्रिक नंबर 3, कंप्यूटर में वेबसाइट को ब्लॉक करना। जी हाँ, अगर आप अपने आप को एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बोलते हो या फिर आप कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हो, कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, तो ऐसे में आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर में कंप्यूटर सिस्टम में हम किसी भी वेबसाइट को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हो कि एक कंप्यूटर है और आप चाहते हो कि उस कंप्यूटर में वो वेबसाइट को या फिर जो भी वेबसाइट आप चाहते हो कि उस कंप्यूटर में एक्सेस ना कर पाए, तो ऐसे में आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप इस तरह के वेबसाइट को अपने कंप्यूटर में कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए यहां पर आपको रन मोड को ओपन करना है या फिर आप चाहे तो सिंपली अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर का बटन दबा के सीधा रन मोड को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रन मोड को ओपन कर लेते हैं उसके बाद आपको यहां पर ये टाइप करना है %WINDIR%System32/driver/etc या फिर आप चाहे तो सीधा अपने कंप्यूटर में जाके या फिर वहाँ पे सी ड्राइव में जाके इस फोल्डर पे जा सकते हैं एटसेक्ट्रा नाम पे। तो यहाँ पर आप इसे डायरेक्ट ये टाइप करके सीधा इस फोल्डर में जंप कर सकते हैं।
तो जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगा होस्ट नाम का, तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद ओपन विथ पे क्लिक करना है और उसके बाद इस फाइल को नोट पैड पे सिलेक्ट करना है, यानी इस फाइल को नोट पैड पे ओपन करना है और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो भी वेबसाइट ब्लॉक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लोकल आईपी एड्रेस टाइप करना है 127.0.0, उसके बाद यहाँ पर ऊपर जो भी आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, अगर ऊपर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको नीचे डॉट लगा के यहाँ पर 2 लिखना है। देखिए यहाँ पर इस आईपी एड्रेस को सेम यहाँ पे कॉपी कर लेना है और 1 की जगह पे यहाँ पे 2 टाइप कर देना है। उसके बाद स्पेस छोड़ के जो भी वेबसाइट का नाम है, फॉर एग्जांपल facebook.com है, तो यहाँ पर आपको facebook.com टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, दोबारा से यही कॉपी करना है पूरा का पूरा और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इसे 3 लिख दीजिए और यहाँ पर www लगा दीजिए, क्योंकि जो वेबसाइट है वो एक www के होता है और एक बिना www के होता है। तो यहाँ पर हमने ये टाइप कर दिया। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको गूगल को ब्लॉक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है 127.0.0, उसके बाद यहाँ पर ऊपर 4 था तो यहाँ पर 5 टाइप कर देना, यहाँ पर आपको टाइप करना है www.google.com और उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल पे क्लिक करके इस फाइल को बस सेव कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और अपने ब्राउज़र को रीस्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप गूगल को ओपन करेंगे तो देखिए ये जो गूगल है वो ओपन नहीं होगा, यहाँ पर आ गया रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, या फिर आप यहाँ पर अगर facebook.com टाइप करते हैं देखिए तो ये फेसबुक भी कनेक्ट नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो साइट है वह ब्लॉक हो गया। उसके बाद अगर आपको ये दोबारा से ओपन करना है तो बस आपको ये सब कुछ रिमूव कर देना है और उसके बाद यहाँ पर फाइल को सेव कर देना है तो जो फाइल है वो अनब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप google.com टाइप करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक आता है वो है इनक्रिप्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके लैपटॉप सिस्टम में या फिर कंप्यूटर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, जो आपको लगता है कि कोई इसे कॉपी करके उसका गलत यूज़ ना कर ले, तो ऐसे में आप उस फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो जो फाइल है वो सिर्फ उसी कंप्यूटर में एक्सेस होगा। उसके बाद अगर कोई उस डेटा को या फिर फाइल या फोल्डर को कॉपी करके पेन ड्राइव में ले जाता है और किसी दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, जिस भी फोल्डर में आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं उस फोल्डर पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर एडवांस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप एडवांस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको इनक्रिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप ओके ओके पे क्लिक कीजिए और इसे अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपके फोल्डर या फिर कहें फाइल्स में जो भी इनक्रिप्शन है वो लग जाएगा। उसके बाद वो जो फाइल है उसी में कंप्यूटर में एक्सेस होगा जिस भी कंप्यूटर में आपने उसे डाल रखा है। तो उसके अलावा कोई अगर उसे कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर वो एक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो मेथड है वो ज़्यादातर उस कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस होता है जिसमें बिट लॉकर इंस्टॉल है या फिर कहें जिसमें बिट लॉकर पहले से इंस्टॉल आता है, उसी कंप्यूटर सिस्टम में ये जो फीचर है वो काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक आता है वो है ट्रिक नंबर 5, जिसका नाम है वाईफाई का पासवर्ड पता करना। जी हाँ, अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो भी वाईफाई कनेक्ट है उसका पासवर्ड डायरेक्ट कमांड मोड की मदद से पता करना चाहते हैं तो ये सब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर में कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड जानने के लिए सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है netsh और उसका स्पेस छोड़ना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है WLAN और उसके बाद स्पेस छोड़ना है, फिर शो, फिर स्पेस छोड़ के प्रोफाइल टाइप करना है और उसके बाद आपके वाईफाई का जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क पे क्लिक करके आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है, देखिए ये रहा वाईफाई कनेक्ट है, तो यहाँ पर आपको बस वाईफाई का ये भी नाम लिखना है जो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर नाम देखिए ये रहा वाईफाई लिखा हुआ है, तो यही नाम आपको यहाँ पर लिखना है वाईफाई। उसके बाद आपको स्पेस छोड़ना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है की इक्वल टू क्लियर। ये सब टाइप करने के बाद आपको बस एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको एक की का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप स्क्रॉल करके ऊपर की साइड आते हैं तो यहाँ पर आपको की कंटेंट के सामने जो भी पासवर्ड है आपके कंप्यूटर में कनेक्टेड वाईफाई है उसका पासवर्ड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा की कंटेंट के पास। तो यही आपके कंप्यूटर में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है उसी का पासवर्ड है। अगला ट्रिक है जो कि है ट्रिक नंबर 6। जी हाँ, अगर आपको अपने कंप्यूटर में जो भी वाईफाई कनेक्ट है या फिर कहें इंटरनेट कनेक्शन है उसकी सारी डिटेल्स आपको जानना है कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका डीएनएस सर्वर एड्रेस क्या है, तो ये सब आप आसानी से सिर्फ एक कमांड की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है ip config
और उसके बाद स्लैश डाल के यहाँ पर ऑल टाइप कर देना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे आप ये कमांड को टाइप करते हैं तो उसके बाद आपके कमांड प्रॉम्प्ट में जो भी डेटा है, जैसे कि आईपी एड्रेस क्या है, डीएनएस सर्वर एड्रेस क्या है, वो सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक आता है जो कि है ट्रिक नंबर 7। जी हाँ, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम या फिर लैपटॉप सिस्टम में बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से अपने जो भी फोल्डर है, इंपॉर्टेंट फोल्डर, उसे हाइड कर सकते हैं या फिर क्या हिडन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में या फिर पेन ड्राइव में या फिर मेमोरी कार्ड में ये वाला फोल्डर है और आप इसे हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो बस आपको इस पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हिडन का, तो आपको इस पर सिलेक्ट करना है और इसके बाद बस ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर एंड सब फोल्डर एंड फाइल्स पे भी क्लिक करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको बस ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में या फिर कहें जो भी ड्राइव में है, ये जो फोल्डर है वो हाइड हो जाएगा या फिर कहें छुप जाएगा। इसके बाद अगर आपको यही फोल्डर अगर आप अपने पेन ड्राइव में डाल के ले जाते हैं और उसे हिडन कर लेते हैं तो दूसरे कंप्यूटर में जाके ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी ये फोल्डर शो नहीं करेगा। तो अगर आपको इसे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इस फोल्डर को देखना है या फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखना है तो आपको यहाँ पर व्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन पे आके क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक व्यू ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फोल्डर है वो शो हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे हिडन को अनटिक कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका जो फोल्डर है वो नॉर्मल की तरह इस्तेमाल हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक आता है जो कि है ट्रिक नंबर 8। जी हाँ, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हार्ड डिस्क पार्टीशन है उसके ड्राइव को हाइड कर सकते हैं यानी कहें छुपा सकते हैं। उसके बाद उसके में जो कुछ भी डेटा है उसे कोई भी नहीं देख सकता। तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए ड्राइव है, बी ड्राइव है या फिर सी ड्राइव है, तो यहाँ पर आप किसी भी ड्राइव को आसानी से हाइड कर सकते हैं यानी कहें पूरी तरह छुपा सकते हैं। तो चलिए ये जानते हैं ये सब आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर आपको डी ड्राइव को हाइड करना है, तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा विंडो प्लस आर का और रन मोड को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है gpedit.msc और उसके बाद एंटर मार के या फिर ओके पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। तो जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो लोकल ग्रुप पॉलिसी है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आके एडमिनिस्ट्रेट टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है या फिर इसे यहाँ से एक्सपेंड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विंडोज कंपोनेंट का, तो आपको इसे यहाँ से एक्सपेंड कर लेना है। इन सभी के बाद अब आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन सर्च करना है, यहाँ पर आपको फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन सर्च करना होगा जिसमें लिखा होगा हाइड दी स्पेसिफिक ड्राइव इन माय कंप्यूटर। तो इस ऑप्शन को आपको ध्यान से सर्च करना होगा यहाँ पर, तो इस पर आपको डबल क्लिक करना है। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको इनेबल पे क्लिक करना है। इनेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जिस भी ड्राइव को हाइड करना चाहते हैं उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे डी ड्राइव को हाइड करना है तो मैंने ये डी ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करके सिंपली मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। तो इसके बाद आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डी ड्राइव है वो हाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो डी ड्राइव है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो ड्राइव है देखिए वो हाइड हो गया यानी छिप गया। इसके बाद अगर आपको इसी ड्राइव को अनहाइड करना है यानी वापस लाना है तो आपको सेम यही मेथड अपनाना है और वहाँ पर इनेबल की जगह पे आपको डिसेबल पे सिलेक्ट करना है और अप्लाई पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करते इसके बाद आपने अपने ड्राइव में जाओगे और वहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो आपका जो ड्राइव है वो वापस से आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक आता है जो कि है ट्रिक नंबर 9। जी हाँ, आपके ऑफिस में या फिर कहें स्कूल में कई बार ऐसा हो जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम में कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक होती हैं तो उन वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहते हो तो वो एक्सेस नहीं होती, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ज्यादातर स्कूल या फिर ऑफिस में इन वेबसाइट को ब्लॉक करके रखा जाता है। तो यहां पर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम या फिर जिस भी कंप्यूटर सिस्टम में उस ब्लॉक वेबसाइट को आसानी से एक्सेस कर सकते हो प्रॉक्सी की मदद से। तो आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है proxysite.com। उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे सर्वर मिल जाते हैं तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में facebook.com ब्लॉक है तो यहाँ पर आप आके facebook.com टाइप कर सकते हो और उसके बाद सिंपली गो पे क्लिक करके जो भी वेबसाइट ब्लॉक है उसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रॉक्सी है वो बाईपास कर देता है जो भी ब्लॉक वेबसाइट
वेबसाइट है, तो उन वेबसाइट को आप आसानी से यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है, जो कि है ट्रिक नंबर 10, जो कि है हमारा लास्ट ट्रिक। जी हाँ, अगर आपको किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता करना है तो ये आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं और आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। या फिर इसके अलावा मान लीजिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी वेबसाइट ब्लॉक है तो उसे आप आसानी से उसके आईपी एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा ping, P-I-N-G, ping, और उसके बाद वेबसाइट का जो भी नाम है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का पता करना है तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा facebook.com और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको उस वेबसाइट का जो भी आईपी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस यार, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे, कुछ जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। इसके अलावा अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन पे जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।